केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पैट सिटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। कहते हैं कि राजनीति में यदि किसी ने पहले अपना घर ही बचा लिया तो समझो सब कुछ बचा लिया। तमाम दिग्गजों को पछाड़कर मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से टिकट पाने वाले अरुण गोविल ने आज अपने जनसंपर्क की शुरुआत सांसद राजेंद्र अग्रवाल व कैंट विधायक अमित अग्रवाल के घर से की। सांसद राजेंद्र अग्रवाल के घर महफिल जमी तो कैंट विधायक अमित अग्रवाल के आवास पर हुई चुनावी चर्चा। आवास पर विजय भाव के आशीर्वाद के साथ ही जहां सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने गीत सुनाया, वहीं अरुण गोविल ने धारावाहिक रामायण में उनके बतौर राम व रावण के बीच हुए संवाद को एक बार फिर से जीवंत किया। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने मेरठ के तमाम दिग्गजों को साइड में रखकर फिल्मी कलाकार अरुण गोविल को मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट के लिए अपना प्रत्याशी बनाया है। पहले देखिए सांसद राजेंद्र अग्रवाल के आवास का नजारा। कलम से तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बताऊं किस किस तरह तू मंत्र मुझे तू सताती, तेरे ही सपनों करके सोया लेकर यादों में तेरे ख्यालों में उलझा रहा हूँ, जैसे के माला में धागा रावण। वाह, भगवान शिव के त्रिशूल की भांति प्रचंड वायुपुत्र हनुमान की मुष्टिका का प्रहार तुमने सह लिया। तुम सचमुच परम शक्तिशाली हो, परंतु कितने दुख की बात है कि तुमने अपनी शक्ति अधर्म के कार्यों में लगा दी और इस दुर्दशा को पहुंच गए। रावण भक्त और ज्ञानी में अंतर होता है। भक्त चाहे मूर्ख, परंतु हृदय का सच्चा और मन का सरल, परंतु ज्ञानी तुम्हारे जैसा दुष्ट भी हो सकता है, जिसे स्वर्ण लंका के राज सिंहासन पर बैठकर भी जीवन की अपूर्णता का काटा चुका है। अब जाओ, कल फिर शस्त्र लेकर। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।